अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और आपके घर वाले भी ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ रसगुल्ले बनाने लगी हूँ। रसगुल्ले के लिए मैंने ये दूध लिया, 3 लीटर मेरे पास दूध है। इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, फिर मैं इसको अंदर नींबू का रस डाल के तो इसको इसका पनीर बना लूँगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए मेरे दूध को उबाल एक आ गया। अब मैंने हीट हल्की कर दी है, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब मैं इसके अंदर नींबू के 2 चम्मच डालूँगी इसको फुटाने के लिए दूध को। अभी देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब दूध फटता है। ये देखें दूध मेरा फट गया है। ये देखिए कैसे अंदर गुटलियाँ से इसकी बन गई। ये देखें अभी मैं इसको छानती हूँ। ये देखें ये मैंने इसको ना 15 मिनट के लिए एक बारीक से कपड़े में छान लिया था, तो इसका अच्छे से पानी निकालिए। ये देखिए पेड़ा तैयार हो गया है। ये देखिए मेरा, अब मैं इसको हाथ से मस लूँगी। 7-8 मिनट के लिए मैं इसको मस लूँगी अच्छे तरीके से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर मैं 2 चम्मच सूजी के डालूँगी। सूजी के डाल के फिर इस तरह हथेलियों की मदद से इसके अंदर जो दाने हैं ना वो ख़त्म करने, इसको बिल्कुल मुलायम करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ, और ये छोटे चम्मच है तो मैं इसके अंदर 3 डालूँगी सूजी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मस लूँगी हाथ से। ये देखिए मैंने अब इस डो को अच्छे तरीके से हाथ की हथेली से ना गूंद लिया है। तो अब मैंने इसकी इस तरह गोलियां बना रही हूँ, और मैंने चूल्हे के ऊपर ना 4 गिलास पानी तिली में डाल के और उसके अंदर 2 कप भर के चीनी के डालें। चीनी मिक्स होगी, पिघल जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर ये गोलियाँ जो बना रही हूँ वो मैं डालूँगी इसके अंदर। फिर मैं आपको दिखाती हूँ पानी को। ये देखिए चीनी अभी पानी को बॉयल नहीं आया, जैसे बॉयल आएगा फिर मैं इसके अंदर ना रसगुल्ले जो मैंने बनाए गोलियां वो डालूंगी। ये देखिए मेरा पानी उबलने लग गया, मैं इसके अंदर ये डालूंगी गोलियां। ये देखिए आप इस डो से आप रसमलाई भी बना सकते हैं इसी तरह। जैसे ये फूल जाएंगी तो आप फिर निकाल के दूध डाल के किसी बर्तन में अलहदा से गाढ़ा करिएगा उसको पका के। उसके अंदर 1-2 चम्मच चीनी के डाल के और थोड़ा सा ज़ाफ़रान पानी में घोल के डाल दें, और फिर ये इसमें से निकाल के पानी में से तो आप दूध में डाल दें, तो बहुत अच्छी आपकी रसमलाई भी रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं, और मैं हीट बंद कर रही हूँ। मैंने हीट बंद कर दी। ये देखें रसगुल्ले बिल्कुल बन के तैयार हैं, कितने नरम लग रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद निकालूँगी इनको। ये देखिए दोस्तों उसी डो से मैंने रसमलाई के भी लड्डू बनाए हैं। ये देखें मैंने वो रसगुल्लों के जो गोल गोल बनाए थे, और रसमलाई के देखिए मैंने चौड़े चौड़े बनाए, और वही पानी उसमें से मैंने रसगुल्ले निकाले। अब रसमलाई के लिए ये मैं डालूंगी, तो इसकी जो वो दूध होगा वो मैं बाद में तैयार करूँगी, पहले इसको तैयार कर दूँगी। 15 मिनट इसको हल्की हीट में मैं पकाऊँगी। ये डो मैंने 3 दूध के डिब्बे थे जिनसे मैंने बनाया है, और नींबू के मेरे 4-5 चम्मच चले गए थे क्योंकि इधर दूध जल्दी फटता नहीं है। तो फिर मैंने जब दूध फट गया था तो फिर मैंने उसको निचोड़ के तो उसके अंदर ठंडा पानी ऊपर से डाला था ताकि जो नींबू का फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए बीच में। फिर उसको मैंने एक नल के साथ लटका दिया था ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है कपड़े को तो वो निकल जाए। वो बिल्कुल जब निकल गया था तब मैंने इसका डो तैयार किया। आप सूजी की जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं। अब ये मेरा पकेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने फूल गए हैं। ये मेरे 15 मिनट हो गए हल्की हीट पे मैंने इनको पकाया। ये देखें अभी मैं इनको लाऊंगी, अभी मैं इनको ऐसे रखूँगी, अभी मैं ऊपर दूध रखूँगी, दूध को पकाऊँगी। ये देखें मैंने 1 लीटर दूध रखा है और इसको पकाऊँगी। अभी मैं थोड़ा गाढ़ा करूँगी, फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ये चीज़ें। चीनी वगैरह भी डालनी है इसमें। ये मेरा दूध बॉयल हो रहा है, अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी और इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी 1 कप के करीब, 1 छोटे कप के करीब। इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी मैं, और साइडों से जो जमेगा ना दूध वो भी ऐसे करके उतार दूंगी ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। इसको गाढ़ा होने तक मैं पकाऊंगी, और इसके अंदर ज़रा सा मैं ना
ज़रदा कलर डालूंगी, क्योंकि मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं है, नहीं तो ज़ाफ़रान अच्छा लगता है, बीच में डाला हुआ अब नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। ये देखें मेरा दूध इतना गाढ़ा हो गया और मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए था। ये देखें मैंने इसके अंदर रसगुल्ले डाल दिए, अब थोड़ी देर इनको पड़ा रहने दूंगी ताकि ये थोड़ा सा दूध को है ना सोक कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनको। अब इनके ऊपर थोड़े से मैं बादाम डाल दूंगी। ये देखें दोस्तों मेरे रसगुल्ले, ये मेरे रसगुल्ले और ये मेरी रसमलाई बिल्कुल रेडी हो गए। ये देखें आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत इजी है रेसिपी। और अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।